देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर एक और खुशखबरी सामने आई है। जी हां, देश में फिलहाल अभी 2 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। भारतीय रेलवे और भी कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलाने का विचार कर रही है। इस बीच पश्चिम रेलवे को चेन्नई स्थित ICF से वंदे भारत ट्रेन सेट की नई रैक अलॉट कर दी गई है। यह आवंटन रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम रेल जोन को 18 कोच वाली अत्याधुनिक वंदे भारत रैक अलॉट की गई है। यह रैक ICF में पूरी तरीके से डिस्पैच हो चुकी है। इस रैक में केवल 5% कार्य ही फिनिशिंग के तौर पर बाकी रह गए हैं। आपको बता दूं कि इस नई वंदे भारत ट्रेन की सीटें स्काई ब्लू कलर की होगी। साथ ही ICF के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नया संस्करण 160 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला होगा। साथ ही साल 2025 तक ट्रेन की स्पीड क्षमता अपग्रेड होकर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा का अनुमान है। फिर यूरोप में हाई स्पीड ट्रेनों की औसत गति से मेल खाते हुए 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये ट्रेन पकड़ सकती है। आपको बता दूं कि अगले 3 वर्षों में भारतीय रेलवे ने 300 वंदे भारत ट्रेन सेट के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2028 तक यह बढ़कर 500 ट्रेन हो जाएगी। भारत को आजादी मिलने के बाद से अगस्त 2022 तक रेलवे ने इनमें से कम 75 ट्रेनों का निर्माण पूरा कर लिया है। 500 ट्रेनों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को प्रति माह लगभग 10 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। पश्चिम रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम रेलवे को पहली वंदे भारत ट्रेन सेट अलॉट हो गई है। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमने इसे चलाने के लिए सबसे पहले मुंबई अहमदाबाद रूट का प्रस्ताव तैयार किया है और उसकी समय सारणी भी बन गई है, लेकिन अभी यह प्रस्ताव प्राथमिक स्टेज पर है, यानी इसमें बदलाव होना संभव है। रूट और समय सारणी दोनों पर रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद ही आखिरी निर्णय लिया जाएगा। मेट्रो मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट।